सबको यहाँ पे ना लाइफ जैकेट पहनाई है, सब सिक्योरिटी पर्पज से उधर बोट में बैठाने जा रहे हैं। तो चलते हैं इधर। तो कैसा मजा आ रहा है? शांति से देखिए आप, आपको यहाँ पे डियर दिखेंगे। 1 कैन यू सी, 2 3 सी दिस, 4 लुक स्पॉटेड डियर, सो सीरीन, इतना मतलब बर्ड्स की चिरपिंग है ना, यू कैन हियर दैट, यू कैन स्पॉट डियर, वाइल्ड बॉर। एक बार फिर बात करेंगे इंडियन लड़की के बारे में कि वो सुंदरबान गई है बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की नेचुरल खूबसूरती देख रही है। ये सुंदरबान यहाँ पर बंगाल टाइगर भी रहता है, यहाँ पर ही वो बंगाल टाइगर है जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोगों को बंगाल टाइगर का लकब दिया गया है। तो आज बात करेंगे सुंदरबान की खूबसूरती के बारे में और हिंदुस्तानी लड़की सुंदरबान की खूबसूरती के बारे में, बांग्लादेश के बारे में क्या बात करती है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी, 1 2 3 गो। एंडिंग पॉइंट है ये बांग्लादेश का बे ऑफ बंगाल। अब शेला रिवर में भी आप देखोगे तो पूरा मैंग्रोव ही मैंग्रोव। हियर अबाउट हरियाणा, लस्सी अच्छी मिलती है, जोर लगा के आपकी गन भी काम नहीं आई। यहाँ बोट फंस गई हमारी शिप में, देखो फ्यूलिंग होते हुए देख रही हूँ। फ्रांस का दाव फंस गया रहा है मिट्टी में। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी अपनी जो और आ पहुँची हूँ मैं बांग्लादेश के बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट, सुंदर वन फॉरेस्ट। सुबह के बजे हैं 6:30 और इतना खूबसूरत सनराइज मिल जाए आपको और पीछे हो आपके रुक्सा नदी। वैसे तो सुंदर वन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में भी है बट इंडिया में आता है 40% और बांग्लादेश में है इसका 60% और हम आए हैं सेकंड पार्ट जो कि बहुत ही अमेजिंग और थ्रिल होता है। लाइक यहाँ पे देखोगे आप पूरा चारों तरफ सराउंडिंग्स है ना, जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट। और आज यहाँ से हम कोटका में यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट है वो एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे ये पॉइंट है कोटका, यहाँ पे मोस्टली शिप एंकर किए जाते हैं। तो देखो वहाँ पे कितने सारे शिप है, मेरे पीछे देखोगे सभी शिप यहाँ पे एंकर किए हुए हैं। Enjoy! तो बोट अभी निकल चुकी है यहाँ से हमारे शिप को छोड़ के, तो एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के अट्रैक्शन। तो फाइनल ड्रेस की तलाश में हम निकल चुके हैं यार, क्या गजब का माहौल है। अभी फिलहाल बहुत थोड़ा सा सन जो है ना, ठंड भी लग रही है लेकिन सन की वजह से थोड़ा वार्म अप भी हो रही है। आज के जो फर्स्ट पॉइंट है हम पहुँचे हैं, मैं पूछ रही हूँ, ये है कोटका ऑफिस वाला, यहाँ से चलेंगे आपको ये बोट है नौका वहीं तक ड्रॉप करेगी, उसके बाद आपका पूरा वॉकिंग है। ये तो हमारे पास ही आ रहे हैं, फोन ना छीन ले। नौका से निकल चुके हैं और आप देखोगे ना ये है हमारा असली स्ट्रगल। तो ये पूरा नीचे देखोगे ना ये बेंत से बना हुआ है, लकड़ी होती है ना पूरा ऐसे लकड़ी के पट्टे लगे हुए हैं स्टेयर्स बनाने के लिए, पूरा नेचर को ख्याल रखते हुए। ये देखो ऐसे है, जुगाड़ है भाई कुछ नहीं है और सिर्फ जुगाड़। एक बार रुक के थोड़ा सा ब्यूटी को निहार लें। ये है पॉइंट फर्स्ट जहाँ पे हम आए हैं बोर्ड पे, जिसको आती है बांग्ला रीड कर लेना। कौन सा पेड़ है ये? बोलो गेहुआ। गेहुआ ना, अभी ये पूरी ट्री जो है यहाँ पे गेहुआ है, ये गेहुआ। देखिए यहाँ पे हमने कुछ डियर स्पॉट किए हैं, बिल्कुल शांति से देखिए आप, आपको यहाँ पे डियर दिखेंगे। 1 कैन यू सी, 2 3 सी दिस, 4 लुक स्पॉटेड डियर, सो सीरीन, इतना मतलब बर्ड्स की चिरपिंग है ना, यू कैन हियर दैट, यू कैन स्पॉट डियर, वाइल्ड बॉर एंड ऑल्सो मंकी,
इट्स सच अ काम, इतना चिरपिंग हो रही है ना यहाँ पे बर्ड्स की, यू कैन एंजॉय द प्योर वाइल्डनेस ऑफ नेचर। खूबसूरत से प्रिटी प्रिटी शेल, और ना जाने कितने यहाँ पे शेल गिरे हुए हैं, तो हमने सिर्फ चार ही उठाए हैं। वैसे देखोगे ना अनगिनत यहाँ गिरे हुए हैं, सैंड में बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे, हर जगह सैंड में दबे हुए हैं ये। तो ये है सुंदरवन नेशनल पार्क, जहाँ पे आपको बहुत सारे सुंदरी पेड़ दिखेंगे। और इस सुंदरी पेड़ की क्या खास बात होती है ना, यहाँ पे जितने भी पेड़ है ना मोस्टली वही सर्वाइव कर सकते हैं जिनकी जड़ें बाहर की तरफ होती है। देखो ऐसे यहाँ पे पेड़ की जड़ें बाहर निकली हुई है, मोस्टली जितने भी पेड़ है यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं ना, पेड़ की जड़ें बाहर होती है निकली हुई। वहाँ पे पूरा ये बे ऑफ बंगाल है, ये कोटका बीच है, पूरा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे हम बांग्लादेश के उस पॉइंट पे हैं, एकदम नीचे एंडिंग पॉइंट पे जहाँ से बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाती है। यहाँ का पानी इतना खारा है कि प्लांट्स जो है वो जमीनी पानी ना लेके, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल है ऐसे प्लांट्स का, रूट्स इनकी बाहर की तरफ आ जाती है और रूट्स से ऊपर एयर से यानी हवा से पानी लेते हैं बजाय जमीनी पानी के। ये अनोखा जीवन यहाँ पे मिल सकता है सुंदरबन में। हाई टाइड आता है ना तो पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, बट अभी थोड़ा लो टाइड है तो पानी वहाँ पे है और यहाँ पे पूरा दलदल हो चुकी है। और सामने देखो एक बर्ड भी दिखेगा आपको बैठा हुआ, इग्रेट्स, और देखो दिखा आपको। तो देखो कल हम यहाँ से ढाका से बिल्कुल यहाँ नीचे तक आए, खुलना से चल के इस एंड पॉइंट तक, इसको बोलते हैं कोटका बीच। यहाँ पे ये पूरा नीचे पानी ही पानी दिखेगा, इसके बाद कुछ नहीं है, कोई लैंड नहीं है, सिर्फ वाटर है, पानी ही पानी। और ये जो पानी है ना नीचे, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। तो पूरा सामने दिखेगा ना, ये पूरा समुद्र है, बे ऑफ बंगाल। बाघ दिखा, बाघ, टाइगर, तो इन्होंने ना बाघ देखा, ये बता रहे हैं। ये आरी से क्या करते हैं इससे, सेफ्टी फॉर सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी पर्पस, दिन्दी दियो, साइपियो दिन्दी। ओके ओके। ये गौवा, गौवा न्यूज़ पेपर के लिए, अच्छा ये न्यूज़ पेपर टाइप के जो पेपर्स होते हैं ना उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बना हुआ है एक छोटा सा पॉन्ड जहाँ पे नॉर्मली वाइल्ड लाइफ पानी पीने के लिए आती है, डियर एंड ऑल। और बीच में देखो वहाँ पे कमल का फूल भी लगा हुआ है, देखो कितना खूबसूरत। ये सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट का एक मैप बना हुआ है, सो सबसे पहले देखेंगे कि हम कहाँ हैं, वेयर आर वी, ये चेक पॉइंट जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है सी। और ये मैप है बांग्लादेश का, ऊपर यहाँ इधर आपको दिखेगा इंडिया और इधर ये बांग्लादेश है। और यहाँ पे है हम इस पॉइंट पे, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, इस पॉइंट पे है हम। आपकी ये बकेट लिस्ट में होना बहुत जरूरी है, इतना खूबसूरत प्लेस है। तो फिर से शिप में आ गए और यहाँ पे किचन का काम जोरों शोरों पे है। देखो मच्छी बन रही है और ये देखो, देखो ये झींगा है, छोटे छोटे क्रैब टाइप, क्या बोलते हैं इसको, ये सब मिलने वाला है आज के खाने में। आज के ब्रेकफास्ट में देखिए हमें मिल रहा है राइस, चटनी, ये क्या है, बैगन, एग, और ये है छोटे चिकन, यहाँ का लोकल देसी मुर्गा है ना, हाँ, और साथ में अपना सैलेड। सज चुकी है हमारी वेजिटेरियन थाली, है ना गजब, खाते हैं बैठ के जल्दी से। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा और सुबह के अभी 10 बजे हुए हैं। शिप हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाएगा, लगभग 3 से 4 घंटे बोल रहे हैं लगेंगे। हमारा शिप जो है वो अभी चल रहा है रुक्सा नदी पर, देखो ये पूरा सामने मैंग्रोव फॉरेस्ट और ये रुक्सा नदी है, बट यहाँ से देखोगे ना पूरा होरिजन पूरा एंड तक आपको कुछ नहीं नजर आएगा, कोई पेड़ नहीं कुछ नहीं। ये आगे जो है ना बंगाल की खाड़ी, इस पूरा सागर सी स्टार्ट हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में एंटर किया ना यार, पूरे समुद्र में इतनी तेज हवा चल पड़ी है, इतनी ठंड लग रही है, डर लग रहा है उड़ना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मस्त सोए यार, क्या पावर नैप थी, मजा आ गया भाई। कुछ भी कहो, बंगाली खाना जो होता है ना यहाँ, बंगला खाना एक नंबर होता है। फिर से देखो हम आ चुके हैं अपने फॉरेस्ट एरिया में, नदी का बहाव, कटाव कैसे है यहाँ पे, मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये पूरा, जहाँ पे हमने ना अभी थोड़ी देर पहले डियर और कुछ क्रोकोडाइल दोबारा से स्पॉट किए। डियर, वी आर स्पॉटिंग डियर। कोटका से निकलने के बाद हम यहाँ पे फिर से आ गए हैं एक और खूबसूरत नदी, शेलार रिवर, दिस इज कॉल्ड शेलार रिवर। इससे पहले जो था वो बे ऑफ बंगाल था, अब शेला रिवर में भी आप देखोगे तो पूरा मैंग्रोव ही मैंग्रोव नजर आएगा दोनों तरफ, इस तरफ भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है और दैट साइड आल्सो। ये एक ना त्रिकोण द्वीप के सामने, अब ये देखिए आबार हमारे बंगोपसागर शुरू हो
फिर से बे ऑफ बंगाल, अभी ये रिवर थी पीछे शैला। देखो यहाँ पे नदी खत्म और आगे फिर से समुद्र शुरू हो जाता है। शैला रिवर यहाँ पे एंड और आगे हो गया बे ऑफ बंगाल शुरू। देखो दोस्तों, आज तक किताबों में पढ़ा था कि नदी कैसे समुद्र में मिल जाती है, आज हमें वो अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। देखो इधर नदी का पानी जो है वो थोड़ा मटमैला है और उधर देखोगे ग्रीनिश, पानी का कलर भी देखो चेंज हो गया। लंच में देखिए राइस बर्था, ये बीन्स होती है ना, बीन्स का बर्था है, और ये करेले, करेले में भी लेकिन देखो क्या मिला हुआ है, दिखाना एक बार श्रेम और ये फिश एंड दिस वन पारसीमन और चिकन, साथ में हरी मिर्च खीरे, और ये देखो ये है स्वीट डिश में जस्ट लाइक अपना पायस, पायस ओके, मिष्टी मिष्टी दोही, वैसे मिष्टी खीर, मिष्टी खीर। देखो सबको यहाँ पे ना लाइफ जैकेट पहनाई है, सब सिक्योरिटी पर्पस से उधर बोट में बैठाने जा रहे हैं। कैसा मजा आ रहा है इधर? बहुत लाइफ जैकेट सेव कर लेगी हमें गॉड भी है ना, हाँ गॉड भी सेव करेगा, मुझे भी करते हैं। अब यहाँ पहुँच के देख लो, ये हमारी नौका सामने एक और लगी हुई है नौका, तो इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, हिरन पॉइंट। There is a sweet water pond. Usually the tigers come to drink the water. Oh, so tiger doesn't drink the salt water. अच्छा, वैसे ये salt water है because of sea. All salt water. All salt water. तो यहाँ से जाएंगे हम ये ब्रिज क्रॉस करके, और लेक है एक बताया जैसा कि यहाँ पे अंकल जी ने। तो दिस इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यहाँ पे आके सब एक बार तो सेल्फी फोटो लेने के लिए रुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे है ना नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे नारियल भी हमें देखने को मिले हैं। देखो स्पॉट करते कोई नारियल मिल जाए, तो इस पेड़ पे तो नहीं है बेबी नारियल है, हिरन हिरन हरिन टू हरिन फ्रंट पे बिल्कुल, और ये आंटी की दुर्दशा देखो क्या हो गई है, बोट चलाने वाले के साथ बैठे हैं ना तो ये दशा होती है, आंटी को बिल्कुल ऐसे झुका दिया है, और पूरी हमारी देखो बोट नौका भर चुकी है, निकलने को तैयार। चौकीदार की सिटी बजेगी जोर से विस्लिंग, वाह उधर देखो वो बोट है ना फंस गई और धक्का मार रहे हैं, देख लो तीन चार जने लगे हैं धक्का मार के उसको मूव कर रहे हैं, पानी में लग गया, जमीन में पानी, माटी में, माटी में लग गया। ओ तो क्या करेंगे अभी? 10 PM धक्का देके, धक्का देके हम ये धक्का देके निकालेंगे। मिट्टी की वजह से ना ये धस गई थी और उठा नहीं रही थी मिट्टी को, देखो पानी कैसे पानी छोड़ रही है ये, क्योंकि मिट्टी की वजह से ना इसका पिकअप नहीं आ रहा। ये देखो जोर लगा दिया पूरा, बड़ी मुश्किल से हमें धक्का उठा लगवा के पहुंचे अभी किनारे पे। देखो देखो अभी सबको उतारने के लिए ऐसे फट्टा लगाया है कि आराम से उतर पाए। How are you feeling in this mud? Very excited. Interesting. It's out of the itinerary. Itinerary में नहीं था ना, जो चीज वो ज्यादा अच्छी होती है। और हीरा भाई ये देखो गन, आपकी गन भी काम नहीं आई, यहाँ बोट फंस गई हमारी, हमने माटी में बात किया तो गन में क्या? गन क्या काम आएगी एडवेंचर आ गया, एडवेंचर आ गया दलदल है पूरा, पैरों का ना मसाज हो रही है हमारी तो अंदर से, वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट, इट वाज नॉट आवर आइटनरी, एग्जैक्टली आउट ऑफ आवर आइटनरी। देखो ये 70 इयर्स के अंकल है हमारे, जमा इंडियन अंकल है, कहो मैं टी शर्ट उतार दूंगे, मैं कहा अंकल मेरा टी शर्ट में आ जाओ
है ना, ये एडवेंचर है भाई। यहाँ पे देखो जैसे धक्के मार रहे हैं, पूरा धक्का मार के अभी ये हिम्मत है जुटा रहे हैं कि निकल जाए। उधर वाली बोट भी, वो भी फंसती हुई नजर आ रही है भाई। बोट यहाँ जो भी आती है ना, दलदल है, फंस जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना पानी का लेवल थोड़ा कम हो चुका है। जैसे यहाँ पे अभी लो टाइड है, लो टाइड की वजह से ना एंड पे जब पहुँचते हैं ना, तो मतलब यहाँ पे बोट ऐसे फंस जाती है। तो बोट फंसने की वजह से ये संघर्ष है हमारा आज का। जोर लगा के लाइफ जैकेट की जरूरत तो होती है बोट के अंदर, कहीं गिर विर जाए। अब जब गिर ही गए समुद्र में तो और कितना गिराएंगे भाई। तो लाइफ जैकेट गई भाड़ में। और ताऊ कैसा फील हो रहा है? फीलिंग गुड, फीलिंग गुड। आर यू लाइकिंग? आज का सनसेट जो है ना वो हॉरिबल हो चुका है। सब लोग ऐसे फंस गए हैं। अब उम्मीद नजर तो आ रही है कि निकल पाएंगे। आपको क्या लगता है, निकल पाने की उम्मीद है या गान फट जाएगी? वो देखो उधर भी फंसी हुई बोट है, कैसे धक्का लगा रहे हैं देखो। अरे अरे अरे, गिर गए अंकल जी, ध्यान से। चलिए वो वाली बोट तो देखो निकल गई, जैसे कैसे करके जद्दोजहद करके। हम सोचे हैं कि बाहर आई गए हैं तो चलते हैं, यहाँ पास ही में बीच है, ये बीच पे थोड़ा सा स्ट्रॉल करेंगे। सनसेट को जितना एडवेंचरस बना सकते हैं ना आज का सनसेट, आई थिंक इट वुड बी मेमोरेबल फॉर अस। जाके पेडीक्योर की जरूरत पड़ेगी राइट? तो जी व्यूवर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा कि हिंदुस्तानी लड़की बांग्लादेश के सुंदरबन में फुल इंजॉय कर रही है, बांग्लादेश की खूबसूरती की तारीफ कर रही है और साथ ही साथ दिखा रही है कि बांग्लादेश के अंदर नेचुरल खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया है और यहाँ पर जो खूबसूरती का लेवल है वो एंड है, एंड आप समझ सकते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर खानों की बात करें, बांग्लादेश के अंदर टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा है। दुनिया में आप बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियों में घूमने के लिए जाते हैं, अगर आप बांग्लादेश नहीं जाते तो आपका दुनिया घूमने का सफ़र अधूरा है। तो बांग्लादेश ज़रूर जाएं, बांग्लादेश की खूबसूरती को देखें। बांग्लादेश के लिए दुनिया भर से दुनिया आ रही है, हिंदुस्तानी बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश जा रहे हैं, तो ये बांग्लादेश की वो खूबसूरती देखने जाते हैं जो शायद हिंदुस्तान में भी नहीं है। हिंदुस्तान में भी वो खूबसूरती नहीं है जो बांग्लादेश के अंदर है और यही वजह है कि हिंदुस्तान के व्लॉगर की बात करें, हिंदुस्तान के लोगों की बात करें तो वो कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश जाएं, बांग्लादेश की नेचुरल खूबसूरती देखें, बांग्लादेश के लोगों से मिलें। तो ये सुंदरबन बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी मौके मिलते हैं तो यकीन जाने आप मौक़ों को ज़ाया ना करना, घूमने के लिए इंजॉय के लिए ज़रूर सुंदरबन जाइएगा, बांग्लादेश ज़रूर जाइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।